Greetings people, this is Mehak Kapoor and you are watching the Mehak Kapoor Show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में. और अब लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली डेली अपडेट्स का. तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली NCR की खास खबरों की ओर. वायुसेना के आयो 76 विमान रूसी सैनिक कॉरिडोर बनाकर भारतीय छात्रों को युद्ध वाले क्षेत्र से निकालेंगे, फिर रूसी राजधानी से भी वापस आएंगे. भारतीय वायुसेना यूक्रेन के युद्ध वाले इलाकों से फंसे भारतीय छात्रों को अपने खास विमान आयो 76 यानी ल्यूजन 76 से निकाल कर लाएगी. ये विमान दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस से उड़ान भरेंगे और रूस की राजधानी मॉस्को में उतरेंगे. मॉस्को के खार्किव की दूरी करीब 750 किलोमीटर है. रूसी सैन्य बल युद्धग्रस्त शहरों से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाकर भारतीय छात्रों को मॉस्को से एयरबेस तक सुरक्षित पहुंचाएंगे. तीनों निगमों का विलय होगा या नहीं, 12 मार्च को चलेगा पता. चुनाव की तैयारी भी जोरों पर. तीनों नगर निगमों का अस्तित्व पर मंडरा रहे बादलों के 12 मार्च को छटने के आसार हैं. यूपी पंजाब समेत दूसरे राज्यों के चुनाव का परिणाम आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी. इसमें तीनों निगम के विलय करने के मसले पर भाजपा नेता अपनी बात रखेंगे. दिलचस्प बात यह है कि प्रदेश के ज्यादातर नेताओं की राय यह है कि दिल्ली में एक निगम होना चाहिए. तीन निगम होने से वित्तीय संस्थानों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है. एयरपोर्ट जैसा दिखेगा नई दिल्ली स्टेशन, पुनर्विकास योजना का आगाज. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नया स्वरूप देने वाली पुनर्विकास योजना का आगाज हो गया है. हवाई अड्डे की तरह आगमन और निकासी के लिए अलग अलग गलियारे वाले नए स्वरूप पर विचार विमर्श के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने 9 वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर के दिग्गज कंपनियों के साथ शुक्रवार को बैठक की. रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने बैठक में पुनर्विकास योजना से जुड़ी सभी प्रासंगिक जानकारी डेवलपर्स के साथ साझा की और उनसे प्रतिक्रियाएं मांगी. दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 जाने कब हो सकता है. दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान. 272 वार्डों में होनी है वोटिंग. राज्य चुनाव आयोग ने सूत्र की माने तो अगले हफ्ते एमसीडी चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में एक महीने से कुछ ज्यादा का वक्त लगेगा. इसका मतलब यह है कि 15 अप्रैल से पहले गिनती की प्रक्रिया भी पूरी होने की संभावना है. 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे से पहले दिल्ली में एक नए चुनाव की घोषणा के आसार है. दिल्ली के बीजेपी नेता देवेंद्र चौधरी और कांग्रेस के रमेश पंडित ने थामा आपका दामन. दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क परिवहन और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी यानी आप से जुड़ रहे हैं. इसी क्रम में शुक्रवार को भाजपा से 2 बार के निगम पार्षद व शाहदरा दक्षिण के चेयरमैन देवेंद्र चौधरी व कांग्रेस के पूर्व पार्षद व DDA के पूर्व सदस्य रमेश पंडित जरनौ ने कार्यकर्ताओं के साथ आप में शामिल हुए. अबे आके आय के दायरे से बाहर किया जो आय सशस्त्र बलों ने सरकार से फिर की अपील. सेनाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि उन्हें RTI के दायरे से बाहर किया जाए. आपको बता दें इसको इसी साल नए सिरे से प्रस्ताव सरकार को दिया गया है. इसमें सशस्त्र बलों ने शामिल सेना, नौसेना, वायुसेना और कोस्ट गार्ड ने उन्हें RTI के दायरे से बाहर रखे जाने की अपील की है. उनका कहना है कि सुरक्षा और खुफिया संगठनों और एजेंसियों की तरह उन्हें भी RTI से छूट वाली श्रेणी में रखा जाए. सशस्त्र सेनाओं का कहना है कि RTI सैन्य कर्मियों को उनकी शिकायतों को उनकी कमान से बाहर ले जाने में मदद कर रहा है. कोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए आपात उपयोग की मंजूरी की सिफारिश. देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के COVID-19 रोधी टीके कोवोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए आपात उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को यह जानकारी दी गई. भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 28 दिसंबर को वयस्कों को आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोवोवैक्स को स्वीकृति दी थी. इसे अभी देश के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है.
संक्रमित से लेकिन मौतें बढ़ा रही है चिंता। दिल्ली में कोरोना केस घटने के साथ साथ धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ रही है। आम आदमी की प्रतिबंधों में छूट भी दे दी गई। शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के केस गुरुवार से कम भी आए लेकिन मौत ज्यादा रही। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना के मरीज 300 से ज्यादा मिले हैं। दिल्ली में शुक्रवार को कोरोना वायरस के संक्रमित 302 और मरीजों की पुष्टि हो गई है, जबकि 4 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। वहीं संक्रमण दर 0.63% रही। स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में कुल मामले 18,61,189 पहुंच गए, जबकि मृतक संख्या 26,134 हो गई है। केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का अनोखा विरोध। जनमत संग्रह के तहत लेंगे 10 लाख लोगों की राय। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने अरविंद केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति पर 10 लाख लोगों की राय लेने के लिए शुक्रवार को अपना जनमत संग्रह अभियान शुरू किया। जहां आपको बता दें, दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने कहा है कि पार्टी 280 वार्डों में से प्रत्येक में 1120 स्थानों पर विशेष रूप से तैयार किए गए बक्से लगातार जनमत संग्रह कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कनॉट प्लेस में जनमत संग्रह की शुरुआत करते हुए कहा कि दिल्ली में इससे बड़ा मुद्दा नहीं है और यह आबकारी नीति दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य और भविष्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। अगले 2 दिन आसमान में छाए रहेंगे बादल, जो आने अगले सप्ते मौसम के हाल। पिछले एक सप्ताह के दौरान पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसमी उतार चढ़ाव का दौर देखा जा रहा है। आपको बता दें, सुबह और शाम हल्की ठंड के बीच दिन में तेज धूप हो रही है, जिसने गर्मी में थोड़ा इजाफा कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दोनों न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी। इतना ही नहीं, होली के आसपास ठीक ठाक गर्मी महसूस होने लगेगी। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार ही शनिवार सुबह से आकाश साफ है। हालांकि दिन में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आपके एरिया की न्यूज आप तक पहुंचा सके। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।